नाइन का सेकंड नंबर दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, यही ना दिया है। एक काम करते हैं, आठ से भाग और आठ से गुना करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले मैं कर लेता हूं इसको, उसके बाद देखो। चलिए इसका समाकल निकालना है, वन बाई एट, यहाँ पे देखो टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, इसे लिख सकते ना, तो यही होल क्यूब करने के लिए ही आठ से गुना आठ से भाग किए हैं, ठीक है, वन बाई एट। अब यहाँ पे ये यह फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, और क्यूब है तो क्यूब तो रहेगा ही। अब देखो इसके अनुसार चलना होगा, तो हमें क्या करना होगा, चार से गुना चार से भाग फिर से, तो यहाँ पे अठचों का बत्तीस कर देते हैं और यहाँ चार से गुना कर देते हैं, समझ गए ना, ताकि यह फॉर्मूला हम लोग लगा सके, इसलिए ऐसा किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, वन बाई थर्टी टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर साइन क्यूब टू एक्स का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा थ्री साइन टू एक्स माइनस साइन थ्री इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स, समझ गया ना, एक्स की जगह खाली टू एक्स आ गया। यहाँ पे देखो वन बाई थर्टी टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो थ्री साइन टू एक्स, थ्री साइन टू एक्स माइनस का साइन सिक्स एक्स लिख देते हैं इसको, और बटा में डी एक्स। अब चलिए इसका समाकल निकाल दो, सिंपल तो है यार, वन बाई थर्टी टू, यहाँ साइन का माइनस कॉस, तो माइनस का थ्री कॉस टू एक्स और बटा में टू, माइनस का कॉस होगा इसका तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे ना, कॉस सिक्स एक्स और बटा में सिक्स और प्लस में सी, यहाँ भी एलसीएम लेके बाहर इंटू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वन बाई थर्टी टू, अंदर एलसीएम होगा क्या, अंदर एलसीएम छह ही ना होगा, तीन 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 नौ हो जाएगा, माइनस का नौ कॉस दो एक्स और प्लस में कॉस सिक्स एक्स, ये इसमें बत्तीस में छह से गुना होगा, तो वन बाई वन नाइनटी टू, और ब्रैकेट में वही रहने दो, माइनस का नाइन कॉस टू एक्स प्लस में कॉस सिक्स एक्स प्लस में सी आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब अगला